हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रडिक्शन ड्रीम 11 में। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो बर्बाडोस और जमैका के बीच में 20 T20 मैच खेला जाएगा इस CPL का। तो हम इस मैच की वन बनाने वाले हैं स्मॉल लीग की टीम और हम बनाएंगे 5 ग्रैंड लीग्स की टीम। तो अगर आपको हर मैच के ऐसे ही ग्रैंड लीग्स की टीम चाहिए तो आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, पास में जो बेल आइकन का बटन है आप उसे प्रेस करना होगा, तभी मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा और आप वीडियो को आसानी से देख पाओगे। और अपनी तरफ से स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कर देना। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं हम सबसे पहले डग आउट ऐप के बारे में। तो अगर आपको इस ऐप को डाउनलोड करना हो तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस ऐप की लिंक मिल जाएगी और आपको मेरे रेफरल कोड भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप मेरे रेफरल कोड के साथ इस ऐप में साइनअप करोगे तो आपको इसमें 50 रुपये का कैश बोनस मिलेगा। ये 50 रुपये का आपको कैश बोनस तभी मिलेगा जब आप अपना फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी और पैन कार्ड, ये तीनों चीज़ें अगर आप वेरीफाई करवा लोगे तो आपको इसमें 50 रुपये का कैश बोनस मिल जाएगा। और इस कैश बोनस के साथ आप कोई भी लीग ज्वाइन कर सकते हो और आप अपना पूरा कैश बोनस यूज़ कर सकते हो। और आप डग आउट ऐप में कोई किसी भी मैच का लाइव स्कोर भी देख सकते हो। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं जो 20th मैच खेला जाएगा बर्बाडोस और जमैका के बीच में। तो हम इस मैच के बनाने वाले हैं डग आउट की टीम। तो यहाँ पे मैंने अपने टीम में आंद्रे रसल, ड्वेन स्मिथ, स्टेवन स्मिथ, रोमेन पोवेल, निकोल्स पूरन, ग्लेन फिलिप्स, जोनसन चार्लेस, एस्ले नर्स, जेसन होल्डर, केनार लेविस और साहियोब, इन 11 प्लेयर्स को मैंने अपनी टीम में पिक किया। अगर आप यहाँ पे प्लेयर्स को चेंज करना चाहते हो तो आप अपने हिसाब से प्लेयर्स को चेंज भी कर सकते हो। हम आगे बात करते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस के बारे में। तो यहाँ पे आपको कैप्टन वाइस कैप्टन को जो है चूज़ नहीं करना। जैसे हम आंद्रे रसल पे क्लिक करते हैं तो आंद्रे रसल पे क्लिक करने के बाद में हमारे सामने सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है सिल्वर प्लेयर, गोल्ड प्लेयर और प्लेटिनम प्लेयर। अगर आप यहाँ पे सिल्वर प्लेयर पे क्लिक करते हो तो आपको 1.25 गुना ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे अदर्स प्लेयर से। अगर गोल्ड प्लेयर पे क्लिक करते हो तो आपको 1.5 गुना ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। और अगर आप यहाँ पे प्लेटिनम प्लेयर पे क्लिक करते हो तो आपको 2 गुना ज़्यादा पॉइंट्स मिलने वाले हैं। तो मानो आप ऐसे इस ऐप में कैप्टन वाइस कैप्टन को पिक कर सकते हो। और अगर आप लास्ट के कुछ मैचेस के प्लेयर्स के परफॉर्मेंस देखना चाहते हो तो आपको यहाँ पे रिसेंट परफॉर्मेंस पे क्लिक करना होगा। रिसेंट परफॉर्मेंस पे क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पे लास्ट के 10 इनिंग के आंद्रे रसल के परफॉर्मेंस देख सकते हो, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा प्लेयर जो है किस फॉर्म में है, जिससे आपको टीम बनाने में आसानी होगी। तो आप इस तरीके से इसमें टीम बना सकते हो और कैप्टन वाइस कैप्टन को मानो आप पिक कर सकते हो। तो मैंने अपने टीम में गोल्ड प्लेयर रखा है आंद्रे रसल को, ड्वेन स्मिथ को मैंने रखा है सिल्वर प्लेयर और यहाँ पे स्टीवन स्मिथ को मैंने रखा है प्लेटिनम प्लेयर। तो मानो इसी तरीके से मैंने अपनी टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन को पिक किया हो। तो आपको यहाँ पे करना होगा टीम को सेव। सेव करने के बाद में हम बात करेंगे लीग्स के बारे में। तो अभी इसमें स्मॉल लीग और हेड टू हेड की लीग, ये दोनों लीग्स इसमें अवेलेबल है। तो आप इन दोनों लीग्स को इसमें जो है ज्वाइन कर सकते हो। मैंने यहाँ पे 9 रुपये वाली और 4 रुपये वाली लीग्स को ऑलरेडी ज्वाइन कर रखा है। तो आप इस तरीके से इस ऐप में खेल सकते हो। बहुत ही अच्छा ऐप है और खेलने में बहुत ही सिंपल ऐप है। मुझे उम्मीद है आप इस ऐप में जो अच्छा अमाउंट विन कर सकते हो। सिर्फ आपको एक बार 100-200 रुपये मेरे कहने से इस ऐप में आप डिपॉजिट करो। आप कम डिपॉजिट करोगे और अच्छा अमाउंट आप विन करके इसमें विड्रॉ कर सकते हो। और जो आपका विड्रॉल अमाउंट है वो आप अपने पेटीएम में भी ले सकते हो, जिससे आपको पैन कार्ड की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी कन्फ्यूजन हो इस ऐप के बारे में तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन बॉक्स में पूछ सकते हो। और अगर आपको ये ऐप अच्छा लगा तो अपनी तरफ से इस वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। हम आगे बात करने वाले हैं ड्रीम 11 की टीम के बारे में, जो मैंने आपके लिए बनाई है 1 स्मॉल लीग की टीम और साथ में मैंने आपके लिए बनाई है 5 ग्रैंड लीग की टीम। हम सबसे पहले बात करने वाले हैं स्मॉल लीग की टीम के बारे में। तो यहाँ पे विकेट कीपर सेक्शन में मैंने पिक किया ग्लेन फिलिप्स को। बहुत ही अच्छे फॉर्म में हर मैच में ये रन बना रहे हैं। स्टेवन स्मिथ, साई होप, रोमेन पोवेल, जोनसन चार्लेस और डेविड मिलर, इन 5 बैट्समैन के साथ मैं इस टीम में जाने वाला हूँ। ऑलराउंडर सेक्शन की बात हो तो जैसन होल्डर और आंद्रे रसल, तो इन 2 ऑलराउंडरों को मैंने अपनी टीम में पिक किया है। बॉलिंग सेक्शन की बात करूँ तो मैंने यहाँ पे एडम जाम्पा, मोहम्मद इरफान और हुसैन थेम्स, तीनों ही बहुत ही अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं। तो इन 3 बॉलर्स को मैंने अपनी टीम में पिक किया है। इस टीम में मैंने कैप्टन रखा है यहाँ पे स्टीवन स्मिथ को। 4th या 5th राउंड बैटिंग करने आते हैं, अच्छी खासी बैटिंग कर सकते हैं और साथ में 3 से 4 ओवर भी करते हैं। ये आपको बैटिंग और बॉलिंग में अच्छे खासे पॉइंट दिला सकते हैं। वाइस कैप्टन मैंने कहा आंद्रे रसल को, ये 5th या 6th राउंड बैटिंग करने आएंगे और साथ में 4 ओवर पूरे करते, तो ये भी आपको बैटिंग और बॉलिंग अच्छे खासे दोनों में पॉइंट ला सकते हैं। अगर आप यहाँ पे कैप्टन वाइस कैप्टन चेंज करना चाहते हो तो आप अपनी टीम में साई होप को कैप्टन रख सकते हो, रोमेन पोवेल को आप कैप्टन रख सकते हो, या आप अपनी टीम में जोनसन चार्लेस को कैप्टन रख सकते हो। वाइस कैप्टन के लिए डेविड मिलर भी अच्छी चॉइस है, ग्लेन फिलिप्स को आपको कैप्टन रख सकते हो और यहाँ पे जैसन होल्डर को आप वाइस कैप्टन रख सकते हो। तो इस तरीके से आप अपनी टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन भी चेंज कर सकते हो। और अगर आपको इस टीम में कुछ प्लेयर्स मिसिंग लगते हैं तो आप अपनी टीम में 1-2 प्लेयर्स को चेंज भी कर सकते हो। लेकिन मेरी यही स्मॉल लीग और हेड टू हेड की लीग की टीम रहने वाली है। हम बात करते हैं 1st ग्रैंड लीग के टीम के बारे में।
तो यहाँ पे मैंने विकेट कीपर सेक्शन में वापस ग्लेन फिलिप्स को पिक किया है। बैट्समैन सेक्शन में ड्वेन स्मिथ जो लगातार खराब प्रदर्शन करे लेकिन बहुत अच्छे प्लेयर ओपनिंग बैटिंग करने थे, किसी मैच में बड़ा स्कोर कर सकते हैं। डेविड मिलर, स्टीवन स्मिथ और जॉनसन चार्लिस, तो इन चार प्लेयर्स को मैंने अपनी टीम में पिक किया है। ऑलराउंडर सेक्शन की बात करूँ तो आंद्रेसल जॉनसन, जस्टन होल्डर और यहाँ पे कोलिन डी ग्रैंडहोम को मैंने अपनी टीम में एकदम रिस्क की पिक किया है, क्योंकि इमाद वसीम जो है पाकिस्तान वापस लौट चुके हैं, तो इमाद वसीम इस मैच में कंफर्म नहीं खेलने वाले हैं। इमाद वसीम की रिप्लेसमेंट की जगह कोलिन डी ग्रैंडहोम को लाया गया है। कोलिन डी ग्रैंडहोम फिफ्थ या सिक्स राउंड बैटिंग करने आते हैं और साथ में चार ओवर पूरे कराते हैं, तो अगर ये खेलते और अच्छा परफॉर्म करते हैं तो हमें अच्छे खासे पॉइंट दिला सकते हैं, तो इसलिए मैंने अपनी टीम में कोलिन डी ग्रैंडहोम को पिक किया है। अगर आप कोलिन डी ग्रैंडहोम के साथ रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप इस टीम में कोलिन डी ग्रैंडहोम को ड्रॉप करके किसी भी दूसरे प्लेयर्स को या बैट्समैन या बॉलर्स को आप पिक कर सकते हो, लेकिन मैं कोलिन डी ग्रैंडहोम के साथ रिस्क लूंगा क्योंकि मुझे लगता है इस मैच में आपको ये खेलता हुआ नजर आ सकता है और बहुत ही ज़बरदस्त ये प्लेयर है। बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन की, तो मैंने यहाँ पे एस लेनर्स जो ठीक ठाक साथ में बैटिंग भी करा सकते हैं, हुसैन थॉम्स और वहाब रियाज भी ठीक ठाक साथ में बैटिंग करा सकते हैं, तो इस टीम में मैंने रिस्क ही बनाया डेवन स्मिथ को कैप्टन, क्योंकि हर मैच में ये खराब प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन बहुत ही अच्छे प्लेयर है, किसी भी मैच में जो है बड़ा स्कोर कर सकते हैं, और ड्वेन स्मिथ को मुझे लगता है कोई भी कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं बनाने वाला, तो इसलिए मैंने अपनी टीम में ड्वेन स्मिथ को बनाया है कैप्टन, और वाइस कैप्टन में मिलाऊंगा जॉन सचालिस जो बहुत अच्छे फॉर्म में, लास्ट के दोनों मैचों में इन्होंने अच्छी बैटिंग की है, तो ये मेरी फर्स्ट ग्रैंड लीग की टीम रहेगी। बात करेंगे हम सेकेंड ग्रैंड लीग की टीम के बारे में, तो यहाँ पर मैंने विकेट कीपर सेक्शन में निकोल्स पूरन को पिक किया, ये फोर्थ या फिफ्थ डाउन बैटिंग करने आते हैं और अच्छी खासी ये बैटिंग कर सकते हैं, हर मैच में 20 से 30 रन ये बनाते ही हैं। बैट्समैन सेक्शन में रॉस टेलर को पिक किया, लास्ट मैच में इनको बहुत नीचे बैटिंग करने भेजा गया था, तो हो सकता है इस मैच में इनको ऊपर बैटिंग भी करने भेजा जा सकता है। स्टीवन स्मिथ को मैं ड्रॉप करना नहीं चाहूँगा क्योंकि साथ में आपको बैटिंग और बॉलिंग में अच्छे खासे पॉइंट दिला सकते हैं। साई होप, केनार लेविस और रोमेन पोवेल, तो इन पांच बैट्समैनों को मैंने अपनी टीम में पिक किया। ऑलराउंडर सेक्शन में आंद्रेसल और जस्टन होल्डर, बॉलिंग सेक्शन में मोहम्मद इरफान, एडम जंपा और एस लेनर्स, तो इन 11 प्लेयर्स को मैंने अपनी टीम में पिक किया। इस टीम में कैप्टन रखा आंद्रेसल को, बहुत ही ज़बरदस्त हार्ड हिटर बैट्समैन, किसी भी मैच में अगर इनकी जल्दी बैटिंग आती है तो ये बड़ा स्कोर कर सकते हैं और साथ में चार ओवर पूरे करेंगे, तो इसलिए मैंने अपने इस टीम में रखा आंद्रेसल को कैप्टन और वाइस कैप्टन में रखा जस्टन होल्डर को। एक मैच में हमने देखा था कि जस्टन होल्डर ऊपर बैटिंग करने आए थे, तो हो सकता है इस मैच में भी इनका बैटिंग ऑर्डर जो है चेंज हो सकता है, तो ये भी आपको बैटिंग और बॉलिंग में अच्छे खास से पॉइंट दिला सकते हैं, तो यही मेरे इस टीम के कैप्टन वाइस कैप्टन रहने वाले हैं। तो ये मेरी रहेगी सेकंड ग्रैंड लीग की टीम। हम बात करते हैं थर्ड ग्रैंड लीग की टीम के बारे में, तो यहाँ पे मैंने विकेट कीपर सेक्शन में ग्लेन फिलिप्स को पिक किया है, यहाँ पे मैंने बैट्समैन सेक्शन में रोमी पोवेल, जॉनसन चार्लिस, हासिम आमला को इलनेस के कारण 2-3 मैचों से ड्रॉप किया गया था, लेकिन ये एकदम भी फिट है, तो हो सकता है इस मैच में उनको खिलाया जा सकता है, लेकिन हासिम आमला आपके लिए रिस्की रहने वाले हैं, हो सकता है हासिम अमला को इस मैच में ना खिलाया जाए, तो मैंने अपने टीम में रिस्क लिया हासिम अमला के साथ। अगर आप नहीं रिस्क लेना चाहते तो आप रिस्क मत लेना, क्योंकि आपका हासिम अमला जो है इस टीम में प्लेयर्स मिस भी हो सकता है, तो फिर भी मैंने अपने टीम में हासिम अमला को अपने टीम में पिक भी किया और इन्हें कैप्टन भी बनाया, तो बहुत ही बड़ा मैंने ये रिस्क लिया है। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप हासिम अमला को अपनी टीम से ड्रॉप कर सकते हो। केनार लेविस और साइयो, तो इन पाँच बैट्समैन को मैंने अपनी टीम में पिक किया है। जैसन होल्डर, आंद्रेसल, एडम जंपा, वहाब रियाज और एस लेनर्स, तो ये मेरी थर्ड ग्रैंड लीग की टीम रहने वाली। इस टीम ने कैप्टन भी रिस्क रखा हासिम अमला को, अगर हासिम अमला नहीं खेलता तो आपका कैप्टन भी ड्रॉप हो सकता है, आपको सीधे जो है 0 पॉइंट्स में मिलने वाले, वो भी कैप्टन के, और वाइस कैप्टन ने रखा ग्लेन फिलिप्स को, बहुत अच्छे फॉर्म में, हर मैच में अच्छी खासी बैटिंग कर सकते हैं, तो ये मेरी थर्ड ग्रैंड लीग की टीम रहने वाली है। अब हम बात करेंगे फोर्थ ग्रैंड लीग की टीम के बारे में, तो यहाँ पे मैंने विकेट कीपर सेक्शन में वापस ग्लेन फिलिप्स को पिक किया है, ओपनिंग बल्लेबाजी करने आते हैं, अच्छी खासी बैटिंग करते हैं। स्टीवन स्मिथ को मैंने रखा है, बैट्समैन सेक्शन में डेविड मिलर को और ड्वेन स्मिथ को, तो इन तीन बैट्समैन को मैंने अपने बैट्समैन सेक्शन में रखा है। ऑलराउंडर सेक्शन में आंद्रेसल और जस्टन होल्डर, बॉलिंग में यहाँ पे मैंने पांच बॉलर्स को पिक किया, क्योंकि हमने देखा कि वेस्ट इंडीज़ में कभी कभी विकेट बहुत ही ज़्यादा गिरते हैं, लेकिन बैटिंग पिच है, लेकिन एक टीम मैंने ऐसे बनाई है ग्रैंड लीग की, अगर विकेट ज़्यादा गिरती है दोनों टीमों के तो आपको विकेट्स में सारे पॉइंट्स जो है मिल जाएंगे, आपका एक भी पॉइंट जो है मिस नहीं होने वाला है। यहाँ पे मैंने एडम जंपा, वहाब रियाज, एस लेनर्स, मोहम्मद इरफान और हुसैन थॉम्स, इन पांच बॉलर्स को मैंने अपने पिक किया, दो ऑलराउंडर को और स्टीवन स्मिथ भी आपको पता साथ में 3 से 4 ओवर कराते हैं, तो मैंने सारे दोनों टीमों के इसमें बॉलर्स को पिक किया ताकि जब भी विकेट ज़्यादा गिरे तो आपको इसमें जो है विकेट्स में सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो इस टीम में मैंने कैप्टन रखा यहाँ पे ग्लेन फिलिप्स को और वाइस कैप्टन बनाया यहाँ पे आंद्रेसल को, तो ये मेरी फोर्थ ग्रैंड लीग की टीम रहने वाली है। बात करते हैं हम फिफ्थ ग्रैंड लीग की टीम की, तो यहाँ पे मैंने विकेट कीपर सेक्शन में निकोल्स पुरन को पिक किया है, रोमेन पोवेल, केनार लेविस,
स्टेवन स्मिथ और साई होप इन पांच बैट्समैन को मैंने अपनी टीम चार बैट्समैन को मैंने अपनी टीम में पिक किया है। आंद्रेसल, जेसन होल्डर और कोलिन डी ग्रैंडहोम, मैंने वापस कोलिन डी ग्रैंडहोम के साथ रिस्क लिया। अगर आपको ये प्लेयर ज़्यादा रिस्क लगता है तो आप अपनी टीम में ड्रॉप कर सकते हो, क्योंकि ये आपका प्लेयर मिस भी हो सकता है या खेल भी सकता है। यहाँ पर मैंने ओसेम थॉम्स, वहाब रियाज और मोहम्मद इरफान इन तीन बॉलर्स को मैंने अपनी टीम में पिक किया। तो इस टीम में मैंने कैप्टन रखा है केनार रेविस को। फर्स्ट डाउन बैटिंग करने आते हैं और अच्छी खासी बैटिंग कर सकते हैं। लास्ट मैच पे ये थोड़ा स्लो बैटिंग कर रहे थे, तो इन्होंने जो है बहुत ही कम रन 35 रन बनाए थे, लेकिन बहुत ही स्लो रन बनाए थे, लेकिन बहुत अच्छे प्लेयर है, किसी भी मैच में ये बड़ा स्कोर कर सकते हैं और इनकी तरफ नजरें किसी की नहीं जाएगी। इन्हें बहुत कम लोग कैप्टन वाइस कैप्टन अपनी टीम में बनाते हैं। वाइस कैप्टन में बनाऊंगा रोमन पोल को। लास्ट मैच में इन्होंने बहुत ही हार्ड हिटिंग बैटिंग की थी और 60 प्लस इन्होंने रन बनाए थे, तो मैं अपनी टीम में रोमन पोल को वाइस कैप्टन रखने वाला। और इन दोनों की तरफ बहुत ही कम लोगों की नजर जाएगी, इन्हें बहुत ही कम लोग अपनी टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन रखेंगे। तो ये मेरी रहने वाली है फिफ्थ ग्रैंड लीग की टीम। तो इन्हीं टीम के साथ मैं ग्रैंड लीग खेलने वाला हूँ और फर्स्ट टीम के साथ मैं स्मॉल लीग और हेड टू हेड लीग खेलने वाला हूँ। तो अगर आप इन टीम के साथ खेलना चाहते हो तो खेल सकते हो, बाकी अगर आप चाहते हो तो अपनी इन टीमों में से आप एक दो चयन कर सकते हो। कैप्टन वाइस कैप्टन भी आप अपने हिसाब से इन टीमों में चयन करके खुद से भी एक बेटर टीम बना के आप अच्छा विन कर सकते हो। कॉम्बिनेशन क्या रहने वाला वो मैंने आपको बता दिया। अब आप एक दो प्लेयर्स को चेंज करते रहिएगा और खुद से भी टीम बनाने की आप कोशिश करो। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और ऐसे ही आपको कंटिन्यू हर मैच के ग्रैंड लिस्ट की टीम चाहिए, तो भाई आपको सबसे पहले मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में बोलना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ताकि मैं आपके लिए रोज़ ऐसे ही ग्रैंड लिस्ट की टीम लाता रहूं और मुझे उम्मीद है आप अच्छा विन इसमें करोगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए धन्यवाद।